हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई हो कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे, जैसे कि आपको पता है यूके पीएससी ड्राफ्ट में 2023 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 5 नवंबर 2023 को यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग हम आज इसमें बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम आपको इसमें बता देते हैं सिंपल सा, क्योंकि हमारी वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही है, कुछ सिस्टम ख़राब होने के कारण। ओके, पूरा 20 सिटी भी चेंज करी है हमने। तो हम इसमें बताएंगे आपको कैसे आपने ये, आपके पास लगभग लगभग अब आपके पास 60 डेज भी नहीं बचे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, इसी तो ऊपर ही है, बट 60 डेज़ का आप टारगेट ले सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को है ड्राफ्ट मैन में, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन कम रहने वाला है। इतना कंपटीशन कम है कि आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं हल्की सी भी थोड़ी सी प्रिपरेशन करके। ओके, यहाँ पे आप लोग को पता है जैसे कि डिप्लोमा प्लस आईटीआई वाले ये फॉर्म को फिलअप करते हैं, बट यहाँ पे जो है डिप्लोमा वालों के पास अभी जेई का मौका है, वो एग्ज़ाम आपको 23 तारीख से लेके 27-28 तारीख तक दिसंबर में पड़ रहा है। तो डिप्लोमा में जेई जो है वो तैयारी नहीं करेंगे ड्राफ्ट मैन की। ओके, अब आप लोगों को करना है तैयारी, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिसने भी डिप्लोमा से किया है, या फिर आपके पास आईटीआई वाला है, उसको बेनिफिट मिल जाएगा जिसने आपके उत्तराखंड की तैयारी की है, यानी कि उत्तराखंड जीके प्लस मैथ ये अगर पढ़ा है तो आप लोग यहाँ पे बेस्ट कर ले जाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है। यहाँ पे 150 आपका नॉन टैक पूछा जा रहा है, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है टैक जो है आपके पास 100 मार्क्स का पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे नॉन टैक में ज़्यादा फोकस है। जिसने भी आपके पास नॉन टैक थोड़ा भी पढ़ा है वो ईजिली क्रैक करके चले जाएगा, और टैक तो ईजी आता है पेपर, उसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो जिसने भी उत्तराखंड पहले तैयारी की है, पटवारी लेखपाल की तैयारी की है या वीडियो की तैयारी की है, उसको बेनिफिट होने वाला है उसने अगर डिप्लोमा या आईटीआई की है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ तो हो गया आपके पास डिप्लोमा वाले जो हैं वो आपके पास बाहर हो चुके हैं इस रेस से, ड्राफ्ट मैन की वो तैयारी नहीं करेंगे, तो आपका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा लो रहने वाला है इसमें। तो अभी चांसेस है आपके पास 60 डेज का टारगेट है, ये बता देते हैं हम आपको। ओके, क्या करना है आपको, सबसे पहले वेटेज देना है बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ओके, टेक्निकल की बात करें, ओके, बाकी आप लोगों ने नॉन टेक अच्छे से पढ़ा होगा, आप लोग नॉन टेक के स्टूडेंट तो होंगे ही, ड्राफ्ट मैन की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर आपको पढ़ना है सर्वे, ईजी आपको अगर सिलेक्शन लेना है। ओके, इतने टॉपिक पढ़ के चले जाना। फिर आपके पास पढ़ना है इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग, चौथे में आपको ऑटो कैड। ओके, और पांचवे में आपको आरसीसी लेनी है। ओके, स्टील, बस इतने टॉपिक करके चले जाना, वहाँ पे आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इसका वेटेज जो रहता है 50 से 60% इन दोनों का ही वेटेज रहता है, बीएमसी एंड सर्वे का। ओके, दो दो सब्जेक्ट से यहाँ पे 50 से 60%, यानी कि 100 क्वेश्चन आ रहे तो 50 से 60 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे आपको। बाकी आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग के रहेंगे, ओके, 8 से 10 क्वेश्चन, ऑटो कैड के रहेंगे 5 से 10 क्वेश्चन। ओके, तो इजीली आप लोग 70 क्रॉस कर ले जाएंगे अगर इतने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो टेक्निकल के। अब आपने कहाँ से पढ़ना है इतने कम समय में, जिसने नहीं की है अभी भी कर लीजिए तैयारी, क्योंकि आप लोग ही सिलेक्ट होंगे। अभी डिप्लोमा वालों का एग्ज़ाम है, वो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिसने भी थोड़ा सा नॉन टेक पढ़ा है वो लोग आप मैनेज कर सकते हैं 5 नवंबर को, और डिप्लोमा वाले नहीं करेंगे। ओके, जिसको लगता है कि जेई मेरे बस का नहीं है वो ड्राफ्ट मैन ज़रूर ट्राई करें। और नॉन टेक का बता देते हैं आपको, उत्तराखंड जीके पढ़ लेना। ओके, अगर उत्तराखंड जीके भी पढ़ेंगे तो सफिशियंट है, उसमें आपके पास मैथ पढ़ लेना और आपके पास हिंदी आ रही है। ओके, बाकी आप लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़े नहीं पढ़े वो आप लोग देख लेना। ओके, बाकी इतनी चीज़ें तो पढ़ के ही जाना ड्राफ्ट में नॉन टेक में। ओके, बाकी आप लोगों को टेक भी बता दिया है। अब आपने क्या करना है, ओनली प्रैक्टिस करनी है। टेक्निकल के बारे में बता देते हैं और नॉन टेक के बारे में आप लोग कर सकते हैं खुद ही। ओके, टेक्निकल के बारे में बता दें, अगर आप लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग हमारी पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, हिंदी वाले पीडीएफ ले सकते हैं, उसमें आपको 900 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आएंगे और प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो उसमें इंक्लूडेड करे गए हैं। ओके, नीमी पैटर्न पे हो गए, जैसे कि आपको पता है नीमी पैटर्न ड्राफ्ट मैन फॉलो करता है। बाकी आप लोग अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो आपको 50+ पीडीएफ उसमें मिल जाती है आपको। ओके, ये इंग्लिश वालों के लिए 50+ पीडीएफ मिल जाती है, उसमें सारे ही सब्जेक्ट इंक्लूडेड रहेंगे और इसमें भी इंक्लूडेड रहेंगे, इसमें आपको मिक्स मिलेंगे बट, ठीक है, 900 क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि बाकी आपको यहाँ पे 50 PDF मिलने वाली है इंग्लिश की। ओके, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल के 2 PDF रहेंगे, इस टाइप के रहेगा आपके यहाँ 2 PDF हर उसकी रहने वाली है। ओके, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए टेक्निकल की, टेक्निकल हमारे ही पढ़ के जाइए, 100 में से आपको 75 से 80 क्रॉस इजीली करके जाएंगे अगर आपने हमारी PDF भी पढ़ ली तो। ओके, टेक्निकल में प्रॉब्लम नहीं है।
बाकी नॉन टेक अच्छा करके जाना, वहाँ पे थोड़ा बहुत 150 मार्क्स का पूछा जा रहा है, 80 मार्क्स का उत्तराखंड जीके, इंडियन जीके आ रही है, ओके, और आपको 40 मार्क्स की मैथ आ रही है, हिंदी भी आपको 30 मार्क्स की देखने को मिल जाएगी, 150 मार्क्स की ये रहेगी, ओके। तो बाकी आपने सिलेबस चेक कर ही लिया होगा, तो अगर जिसको भी हमारी PDF चाहिए वो इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9149302924 में आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा ड्राफ्ट मैन की, आपको यहाँ पे PDF मिल जाएगी, ओके। वो मिनिमम प्राइस में रहेगी, वो आप लोग सैंपल देख सकते हैं वहाँ पे, बहुत कम प्राइस में हमने रख रखी है, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।